हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले तीन स्टेटमेंट्स वाले ट्रुथ टेबल की। आई होप कि आपने लेक्चर 4 वाला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, बिकॉज सेम टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज ट्रुथ टेबल फॉर स्टेटमेंट पैटर्न्स। द ओनली डिफरेंस इन दिस लेक्चर वुड बी, यहाँ पर हम तीन स्टेटमेंट्स के साथ ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करेंगे। इन द लास्ट वीडियो वी हैड प्रिपेयर्ड अ टेबल विद टू स्टेटमेंट्स, दैट इज पी एंड क्यू, एंड यहाँ पे हम लोग तीन स्टेटमेंट्स पी क्यू और आर वाले स्टेटमेंट पैटर्न्स का ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन पेन एंड पेपर। टू प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल, लेट्स टेक एन एग्जांपल विथ थ्री स्टेटमेंट लेटर्स। हियर यू कैन सी आई हैव टेकन एन एग्जांपल। पी इम्प्लाइज एंड देन देयर इज अ बिग ब्रैकेट, negation of smaller bracket Q and R. In this example, I have taken three statement letters P, Q and R. Now for three statement letters, as I have already discussed, we need 8 different cases. And rest the solution would be same as that we had solved for two statement letters. What we have to do is, first from the question, just count the number of statement letters. Aapko dikh raha hoga, yahan pe teen statement letters hai P, Q, R. तो इन तीनों पी क्यू आर से हम लोग अपना टेबल शुरू करेंगे। सो आई राइट पी ओवर ईयर, क्यू ओवर ईयर, आर ओवर ईयर। पी विल बी माई फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो पहले तीन कॉलम हमेशा आपके स्टेटमेंट लेटर्स होंगे पी क्यू आर। अब ये पी क्यू आर का 8 केसेस कैसे लिखते हैं? सबसे पहले पी से स्टार्ट करते हैं। पी पी कैसे लिखा जाएगा? विल राइट 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स इन दिस मैनर। सिमिलरली फॉर क्यू कैसे लिखेंगे? फॉर क्यू विल राइट इट एज 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। एंड सिमिलरली फॉर आर कैसे लिखेंगे? 1 ट्रू, 1 फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। इन दिस मैनर देर आर 8 केसेस विच आर रेडी ओवर हियर। नाउ दिस 8 केसेस विल बी सॉल्व ओनली एंड ओनली व्हेन पी क्यू एंड आर तीन स्टेटमेंट लेटर्स आपके क्वेश्चन में दिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द स्टार्ट विथ 8 केसेस। अब नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो कैसे फाइंड करना होता है? स्टेटमेंट पैटर्न में स्टेटमेंट्स को चेक करो। कौन से स्टेटमेंट्स? सिंपल स्टेटमेंट्स। पी इसका कॉलम रेडी है, क्यू इसका कॉलम रेडी है। मेक श्योर दिस इज नॉट नेगेशन ऑफ क्यू, ये सिर्फ क्यू है, नेगेशन पूरे ब्रैकेट को है। ओके, नेक्स्ट इज आर, इसका भी कॉलम रेडी है। तो सारे के सारे सिंपल स्टेटमेंट्स का मैंने कॉलम रेडी कर दिया। नेक्स्ट इज टू फाइंड द कॉलम फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको? पहला तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है नहीं, तो इसको छोड़ दो। अब इस ब्रैकेट के पास आते हैं। ये बड़ा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करें कि छोटा वाला ब्रैकेट? यस, इट्स स्मॉलर ब्रैकेट। सो क्यू एंड आर, सो ये बन जाएगा क्यू एंड आर। द स्मॉलर ब्रैकेट विल फॉर्म माई फोर्थ कॉलम। अब फोर्थ कॉलम का आंसर कैसे मिलेगा? फोर्थ कॉलम में कौन यूज़ हो रहा है? क्यू यूज़ हो रहा है। क्यू मतलब सेकेंड कॉलम, ये सॉल्व करना है एंड आर के साथ। आर कौन है? थर्ड कॉलम। सो आई हैव माय फोर्थ कॉलम एंड टू गेट द आंसर फॉर दिस वन व्हाट आई हैव टू डू इज सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के बीच में एंड करना है। एंड मतलब कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या होता है? दो ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सेकंड और थर्ड के बीच में देखो, ये दो ट्रू देन ट्रू, दो ट्रू है क्या? नहीं, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। देखो दो ट्रू मिला, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। सो इन दिस मैनर आई हैव द आंसर फॉर फोर्थ कॉलम। सो मैंने इस स्मॉलर ब्रैकेट का आंसर निकाल लिया। अब बड़े ब्रैकेट के पास आते हैं। इस बड़े ब्रैकेट में क्या है? नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, मतलब मेरा फिफ्थ कॉलम बनेगा नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट क्यू एंड आर। अब नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट मीन्स वॉट?
नेगेशन ऑफ कौन सा वाला ब्रैकेट है, ये फोर्थ कॉलम वाला ब्रैकेट है, विच विल गिव मी माई फिफ्थ कॉलम इज द आंसर. अब नेगेशन में क्या करना होता है, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू. तो ये ट्रू है, दिस विल बिकम फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू एंड ट्रू. सो दिस इज माई फिफ्थ कॉलम एंड इसका आंसर कैसे मिला, फोर्थ कॉलम को नेगेट कर दिया, फॉल्स का ट्रू कर दिया, टू का फॉल्स कर दिया. अब और कोई ब्रैकेट या कंपाउंड स्टेटमेंट बचा है क्या, नहीं. सो फाइनल कॉलम विल बी माई कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न. सो यहाँ पर मैं लिखूँगा पी इम्प्लाइज ब्रैकेट नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर. इस पूरे का आंसर कैसे मिलेगा, सिंपली व्हाट वी हैव टू डू इस पी को लेना है, पी मतलब फर्स्ट कॉलम इम्प्लाइज ये पूरा ब्रैकेट, ये कहाँ से मिलेगा, फिफ्थ कॉलम विच विल गिव मी सिक्स्थ कॉलम. सो फर्स्ट कॉलम इम्प्लाइज फिफ्थ कॉलम, और इम्प्लाइज मतलब इम्प्लीकेशन वाला ट्रुथ टेबल, जिसमें क्या होता है टफ, यस टी एफ एफ, टी एफ दिखा तो एफ लिखने का, वरना ये आंसर विल बी ट्रू. चलो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में केसेस वाइज, फर्स्ट केस, फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में क्या ये टफ है, यस ये टफ है. सो टी एफ विल बी एफ. नेक्स्ट क्या ये टफ है, नहीं. सो इट विल बी ट्रू. थर्ड केस क्या ये टफ है, नहीं. क्या ये टफ है, नहीं. नेक्स्ट क्या ये टफ है, नहीं. सिक्स्थ केस क्या ये टफ है, नहीं. इवन दिस वन नो, इवन दिस वन नो. सो मैंने सारे आठ केसेस का इम्प्लीकेशन फर्स्ट और फिफ्थ कॉलम में अप्लाई किया टू गिव मी दी सिक्स कॉलम एज दी आंसर. अब ये जो आंसर होगा, ये आंसर आपके पूरे कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न का आंसर होगा. सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अ ट्रुथ टेबल फॉर थ्री स्टेटमेंट लेटर्स, जहाँ पर एट केसेस होते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. हाँ एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि वेरीफाई कैसे करना है, बहुत सिंपल है वेरीफाई करना. स्टेटमेंट लेटर्स काउंट करो एंड कनेक्टर्स काउंट करो. स्टेटमेंट लेटर्स कितने, पी क्यू आर, तीन. कनेक्टर्स कितने, एक दो तीन. सो तीन लेटर्स तीन कनेक्टर्स छः हो गए. तो मेरे टेबल में भी कितने कॉलम होने चाहिए, छः. एक दो तीन चार पाँच छः कॉलम्स. सो माई टेबल इज़ परफेक्टली राइट. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल नाउ. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ये रहा. इट्स पी और नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज आर एंड पी. अब पूरे स्टेटमेंट पैटर्न में कितने लेटर्स हैं पहले वो गिन लेता है. कितने लेटर्स हैं, पी है, क्यू है, आर है. सो ठीक है, पी क्यू आर, दिस विल बी माय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम. ये तीन कॉलम हमेशा अपने फिक्स रहेंगे फॉर जब भी अपने को तीन लेटर वाला स्टेटमेंट पैटर्न सॉल्व करना है. ठीक है, अब तीन लेटर का स्टेटमेंट पैटर्न है तो अपने आठ केसेस होंगे. तो इस आठ केसेस को कैसे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले पी का लिखेंगे चार ट्रू चार फॉल्स. ठीक है, क्यू कैसे लिखते हैं, दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स. आर कैसे लिखेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. आई होप दिस इज क्लियर. सो अपने इनिशियल स्टेज में हमने पी क्यू आर जो स्टेटमेंट लेटर्स है उससे मैंने एट केसेस लिख दिए. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, पूरे स्टेटमेंट पैटर्न में और ऐसा कोई सिंपल स्टेटमेंट है क्या जिसका कॉलम नहीं है, वो चेक करते हैं. पी इसका कॉलम तो है, नेगेशन ऑफ क्यू ये एक सिंपल स्टेटमेंट है और इसका कॉलम नहीं है. सो माई नेक्स्ट कॉलम वुड बी फॉर नेगेशन ऑफ क्यू एंड दिस इज माई फोर्थ कॉलम. अब नेगेशन कैसे निकालते हैं, ट्रू का फॉल्स करना है, फॉल्स का ट्रू करना है, बट ये किसका नेगेशन है, क्यू का. तो यहाँ पर क्यू के जितने भी आपको ट्रूथ वैल्यूज दिख रहे हैं उन सबको नेगेट कर दो. ट्रू बिकम्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू. तो मैंने सारे के सारे सेकेंड कॉलम के ट्रूथ वैल्यूज को नेगेट कर दिया और इससे मिला मुझे नेगेशन ऑफ क्यू माई फोर्थ कॉलम. चलो ठीक है,
और कोई सिंपल स्टेटमेंट्स है क्या? पी नेगेशन ऑफ क्यू डन, आर तो ऑलरेडी है अपने पास, पी ऑलरेडी है अपने पास, सारे सिंपल स्टेटमेंट्स कवर हो गए। अगला, अब मैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट्स के पास जाता हूँ। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब ब्रैकेट। तो यहाँ पर मुझे एक पहला ब्रैकेट दिखा, ये वाला। अब दिस ब्रैकेट सेज व्हाट? पी और नेगेशन ऑफ क्यू। अब ये ब्रैकेट मुझे फिफ्थ कॉलम देगा। फिफ्थ कॉलम को फाइंड करने के लिए मुझे किस किन किन लेटर्स की ज़रूरत है? पी की ज़रूरत है मतलब फर्स्ट कॉलम की ज़रूरत है, और नेगेशन ऑफ क्यू की ज़रूरत है मतलब फोर्थ कॉलम की ज़रूरत है। तो फर्स्ट और फोर्थ कॉलम को अगर मैं और कर दूँ तो मुझे फिफ्थ कॉलम का आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ कॉलम को और करना है, हर एक एलिमेंट को, हर एक केस को हम लोग और करेंगे। अब और में क्या होता है? दोनों फॉल्स तो फॉल्स, वरना ट्रू। यस, वेरी गुड। सो चेक करना है सिर्फ दोनों फॉल्स है कि नहीं। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ वन दोनों फॉल्स है क्या? नहीं, आई लेट इट एज ट्रू। नहीं, आई लेट इट एज ट्रू। ये भी नहीं, ट्रू। यस, दोनों फॉल्स मिल गया, तो मैं फॉल्स लिखूंगा। फिर से दोनों फॉल्स लिखा, फिर से फॉल्स लिखूंगा, ट्रू ट्रू। सिंपल, ओके। चलो, पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, फिफ्थ कॉलम मिल गया। अगला ब्रैकेट, इट सेज व्हाट? आर एंड पी, आर एंड पी इज माय सिक्स्थ कॉलम। अब ये मिलेगा कैसे? आर कैसे मिलता है? आर अपने को थर्ड कॉलम से मिलता है, एंड पी कैसे मिलता है? फर्स्ट कॉलम से मिलता है। तो मुझे करना क्या है? थर्ड और फर्स्ट के बीच में एंड अप्लाई करना है। आर एंड पी, थर्ड और फर्स्ट के बीच में एंड अप्लाई करना है। एंड में क्या होता है? दोनों ट्रू तो ट्रू, वरना फॉल्स। वेरी गुड। ये थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, इन दोनों में एंड अप्लाई करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थर्ड पहले है, फर्स्ट बाद में है, तो मुझे थर्ड से फर्स्ट सॉल्व करना चाहिए कि फर्स्ट से थर्ड? लॉजिकली तो थर्ड से फर्स्ट सॉल्व करना चाहिए, बट ये कनेक्टर कौन सा है? एंड। और एंड अगर कनेक्टर है तो आप फर्स्ट से थर्ड सॉल्व करो या थर्ड से फर्स्ट सॉल्व करो, डजेंट मैटर, आंसर विल रिमेन सेम। अगर यहाँ पे इम्प्लीकेशन होता तो मैं पक्का थर्ड से फर्स्ट ही सॉल्व करता। अब यहाँ पे आपके सिंप्लिसिटी के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो, किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो। मुझे सॉल्व करना है थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम। चलो ठीक है, ट्रू 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 फॉल्स। अब एंड है तो ये हो जाएगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स 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 अगेन फिर से फॉल्स। सो ये पूरे सिक्स्थ कॉलम का मैंने ट्रूथ वैल्यूज निकाल लिया। सो ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट भी कंप्लीट, सेकंड ब्रैकेट भी कंप्लीट। अब पूरे स्टेटमेंट पैटर्न का वैल्यूज निकालेंगे। पूरे स्टेटमेंट पैटर्न को सॉल्व कैसे करेंगे? पी और नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज आर एंड पी। अब ये फाइंड करने के लिए, दैट इज सेवेंथ कॉलम का अगर आंसर चाहिए तो मुझे फिफ्थ कॉलम इम्प्लाइज सिक्स्थ कॉलम सॉल्व करना पड़ेगा। अपना फिफ्थ कॉलम कौन सा है? ये वाला। सिक्स्थ कॉलम कौन सा है? ये वाला। इन दोनों के बीच में क्या अप्लाई करना है? इम्प्लीकेशन। और इम्प्लीकेशन में क्या होता है? टफ, टी एफ हुआ तो एफ आंसर लिखना है, वरना ट्रू। चलो ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स, टफ नो, टफ यस, टफ नो, टफ यस, टफ नो, टफ नो, टफ यस, टफ यस। सो आई हैव द आंसर रेडी फॉर द सेवेंथ कॉलम विच इज माई कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न। सिंपल, आई होप दिस इज क्लियर। अब वेरीफाई करते हैं कि सच में मेरा आंसर या ट्रुथ टेबल राइट है कि नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? अपने क्वेश्चन में लेटर्स काउंट करो एंड कनेक्टर्स काउंट करो। चलो, लेटर्स कितने पी क्यू आ रही है तो हमें सबसे पहले पता ही है। उसके बाद कनेक्टर्स, एक दो तीन चार, चार कनेक्टर्स तीन लेटर्स, थ्री प्लस फोर सेवन। क्या आपके ट्रुथ टेबल में सेवन कॉलम्स है क्या? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। यस, सेवन कॉलम है तो मेरा आंसर परफेक्ट होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर हर एक केस को अच्छे से सॉल्व करो। पूरा टेबल सॉल्व करते टाइम थोड़ा भी अगर ध्यान भटका तो सम रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि एक मिस्टेक पूरा टेबल को रॉन्ग कर सकती है। कीप दैट इन माइंड।
सो मेक श्योर कि जब भी आप पूरा टेबल जब तक सॉल्व हो ना जाए तब बीच में स्किप ना करो कोई भी स्टेप. कंप्लीट द टेबल एंड देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वर्क. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. थैंक यू. नाउ हियर आर सम होमवर्क क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. वैसे तो लेक्चर 4 देखने के बाद खुशी बहुत हुई होगी कि होमवर्क नहीं मिला, बट लेक्चर 4 और लेक्चर 5 दोनों के होमवर्क मैंने यहाँ पर साथ में दे दिए हैं. गो थ्रू बोथ द वीडियोज एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चंस. विल हैव टू प्रिपेयर अ टेबल फॉर बोथ स्टेटमेंट विच हैव 2 लेटर्स एंड स्टेटमेंट विच हैव 3 लेटर्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.